जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर सेना भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। साथ ही इस बार आयु सीमा की गणना किए जाने को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो खबर अमर उजाला न्यूज साइट पर पब्लिश की गई है, उसके अनुसार अगले महीने यानी 8 फरवरी से अग्निवीर सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं 21 मार्च इसके लिए अंतिम तिथि तय की गई है। तो वहीं इसी खबर में यह भी कहा जा रहा है कि इस बार आयु सीमा की गणना 1 अक्टूबर 2003 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2007 के बीच तक की जाएगी। देखिए, पूर्व में आर्मी भर्ती में उम्र सीमा की गणना के लिए कभी यह नियम भी हुआ करता था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जन्मे युवाओं की आयु सीमा काउंट की जाती थी। फिर इसके बाद हमें देखने को मिला कि 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल के बीच में जन्मे युवाओं की आयु सीमा 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। इस तरह से आयु सीमा की गणना की जा रही थी और यही नियम अभी तक भी भर्तियों में चला आ रहा है। अगर हम पिछले साल भी भर्ती की ही बात करें तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें आयु सीमा की जो गणना की गई थी वो 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच में की गई थी। और इसी हिसाब से अगर अभी देखा जाए तो जिस तरह पिछले साल गणना की गई थी, अगर उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता तो इस बार आयु सीमा की गणना 1 अक्टूबर 2003 से शुरू होकर 1 अप्रैल 2007 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अमर उजाला न्यूज साइट पर दिखाया जा रहा है कि उम्र सीमा की गणना 1 अक्टूबर से 30 अप्रैल के बीच की जाएगी। देखिए, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर या कह सकते हैं कि सही जानकारी, कंफर्म जानकारी तो हमें तभी मिल सकती है जब इसको लेकर या तो आर्मी की ओर से कोई आधिकारिक बयान दिया जाता है या फिर इसको लेकर जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो उस वक्त यह चीज नोटिफिकेशन में ही क्लियर हो सकेगी कि आखिर आयु सीमा की गणना कब से कब तक की जाएगी। वहीं बात करें सेना भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने को लेकर, तो अभी तक यह जानकारी भी आधिकारिक तौर पर सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दी गई है या ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि 8 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि न्यूज में सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल आनंद साकले के हवाले से कहा जा रहा है कि आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू हो जाएगी और 21 मार्च इसके लिए अंतिम तिथि तय की गई है। देखिए दोस्तों, यह बात पहले ही क्लियर हो चुकी है कि अग्निवीर सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी और इसके लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है। खुद ADGPI और इंडियन आर्मी ने इसको लेकर बता दिया है। इसलिए सभी युवाओं को चाहिए कि वो अब अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाए। आप सभी युवा ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पर जाकर अपना अकाउंट बना लें, अपनी प्रोफाइल तैयार कर लें और यह ध्यान रहे कि प्रोफाइल बनाते समय किसी भी तरह की कोई गलती आपसे ना हो जाए। कोई भी जानकारी वहां पर आपको गलत नहीं भरनी, इसका ध्यान रहे। और अगर आप यह काम ईमित्र वाले से करवा रहे हैं तो तब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी जानकारी वहां पर गलत नहीं भर जाए। जो भी जानकारी आप वहां पर भरें उसको एक बार जरूर चेक कर लें, वरना बाद में आपको ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आप सभी को यह भी ध्यान रखना होगा कि जो मेल आईडी आप ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पर अपना अकाउंट बनाते समय दे रहे हैं वो आपके मोबाइल में चालू होनी चाहिए और उसका यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास में होना चाहिए। उसे आपको याद रखना है, कहीं उसको लिख कर भी रख लेना है ताकि आप उसे ना भूलें, वरना दिक्कत हो जाएगी। और देखिए, किसी को भी इस मेल आईडी का पासवर्ड आपको नहीं बताना है। इसके अलावा जो भी जरूरी दस्तावेज आपको फॉर्म भरते समय वहां पर लगाने हैं तो उन सभी दस्तावेजों को भी आपको समय रहते तैयार कर लेना है, क्योंकि दोस्तों जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अगर आपका कोई कागज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो कई बार कागज बनने में भी समय लग जाता है, इसलिए अभी आपके पास में समय भी है। अगर कोई भी कागज आपके पास में अभी अधूरा है या उसकी कमी है तो आप उसे समय रहते तैयार जरूर करा लें, क्योंकि अगले ही महीने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आखिर में एक बार आपसे फिर यही कहना चाहेंगे कि ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पर अपना अकाउंट बनाते समय वहां पर कोई जानकारी गलत मत भर देना, वरना बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।